दबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान इस दुनिया से जा चुके हैं। उनका निधन मुंबई में 29 अप्रैल को हुआ था। इरफान खान ने कोकिला बेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ सालों से हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से पीड़ित थे। इरफान अपने पीछे पत्नी सुतापा और दो बेटे बाबिल और अयान को छोड़ गए। पिता के निधन के बाद बाबिल को गहरा धक्का लगा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग जाहिर की है। बाबिल ने लिखा, आप जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का मैं आभारी हूँ। इस मुश्किल घड़ी में आप सभी मेरे साथ खड़े नजर आए। बाबिल ने अपनी भावना जाहिर करते हुए आगे कहा, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हैं और मुझे मैसेज भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे समझ पाएंगे। मैं बहुत दुखी हूँ और आपको जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ। मैं आपको ये सारी बातें शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन फिलहाल नहीं। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबिल से पहले इरफान की पत्नी सुतापा ने भी एक पोस्ट जारी किया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, मैंने कुछ खोया नहीं है, मैंने हर तरह से हासिल किया है। सुतापा ने इस मैसेज के साथ पति इरफान की तस्वीर शेयर कर उनको ट्रिब्यूट दिया था। आपको बता दें कि इरफान खान साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर डायग्नोस के इलाज के लिए लंदन गए थे। साल भर विदेश में इलाज करने के बाद इरफान अपने घर लौटे थे। कैंसर के इलाज के दौरान इरफान ने फिल्मी दुनिया से कुछ समय का ब्रेक लिया था। इसके बाद जैसे ही उनको लगा कि वो ठीक हो गए हैं, उन्होंने अंग्रेजी मीडियम से बॉलीवुड में वापसी की। और तो और वो जल्द ही और भी नई फिल्में करने वाले थे, लेकिन वो वक्त से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए।